36 घंटे से शिव मंदिर की परिक्रमा किए जा रहा है। बिहार से आई रिपोर्ट देखिए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। एक कुत्ता 36 घंटे से लगातार शिव मंदिर के चक्कर लगा रहा है। देखिए इन तस्वीरों को, जो भी इन्हें देख रहा है वो इसे भगवान का चमत्कार मान रहा है। भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा कर रहे कुत्ते की ये तस्वीर गया जिले से सामने आई है। इस मंदिर में इस कुत्ते को भैरव बाबा का रूप माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि लगभग 36 घंटे से वो लगातार भगवान भोलेनाथ के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। मां मंगला गौरी मंदिर के ठीक सामने भगवान भोलेनाथ की ये अनोखी भक्ति देखने को मिली है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि काले रंग का कुत्ता चारों ओर मंदिर की परिक्रमा करता है, थक जाने पर करीब 10 मिनट आराम करता है और फिर से मंदिर का चक्कर लगाने लगता है। कुत्ते की अनोखी भक्ति देखकर हर कोई हैरान है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि ये कुत्ता मंदिर की परिक्रमा क्यों कर रहा है। उनकी जन्मों की तपस्या है कि वर्तमान स्थिति है या फिर जो कह लें, अनुमान ही लगाया जा सकता है। और बाकी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग दिखा ही रहे लगातार। पुजारी बताते हैं कि शिव मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति भी है। कुत्ता जिस तरह परिक्रमा कर रहा है उसे देख लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी अनोखी आस्था कम ही देखने को मिलती है। जिस तरह से इंसान अपनी पूरी भक्ति से मंदिर की परिक्रमा करता है, ठीक उसी प्रकार ये काले रंग का कुत्ता भी परिक्रमा कर रहा है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी, जन्म जन्मांतर पूर्व जन्म को कोई झुठला नहीं सकता। कहीं ना कहीं इस तरह का ऐसा कोई कनेक्शन इस कुत्ते के साथ भी है और यही वजह है कि अचानक से ये पिछले 2 दिनों से लगातार भगवान भोले शंकर के मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। इस कुत्ते को देखने के लिए गया शहर से सैकड़ों लोग माँ मंगला गौरी पहुँच रहे हैं। इस कुत्ते की साधना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया है। शुरुआत में लोग इसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन जब ये कुत्ता लगातार मंदिर का चक्कर लगाता रहा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। इन्होंने बताया कि माँ मंगला गौरी शक्ति पीठ है, यहाँ माँ मंगला गौरी भैरव बाबा के साथ विराजमान है। भैरव बाबा की सवारी काला स्वान होता है, इसे देखकर लोगों की भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है। लोग मंदिर में आकर इन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं और पूरे इलाके में ये घटना चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आपने